हाय गाइस, संडे स्पेशल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई एम श्योर आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि हर संडे आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आता हूं। लेकिन पिछले दो संडे ना थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि 8:30 बजे मैंने वीडियो डाली थी। लेकिन आज कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वीडियो टाइम से मिल जाएगी। और आज की वीडियो में जो आप लोगों को फ्री अडॉप्शन में डॉग मिलने वाला ना भाई, वो तो ऐसा है जो कि आजकल जिसका प्राइस डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो आप लोग गेस करना कि वो डॉग ब्रीड कौन सी होने वाली है, देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारी उन डॉग ब्रीड के बारे में जो कि फिलहाल सेल के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोड पेलर के बारे में, जो कि काफी पावरफुल डॉग ब्रीड है, काफी एनर्जेटिक है। तो अगर आप लोग एक एडल्ट रोड पेलर लेना चाहते हो तो आप लोग इस डॉग को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एडल्ट डॉग को परचेज करने के भी अलग ही फायदे हैं। वैसे ये जो रोड पेलर आप लोग देख रहे हो ना, ये एक फीमेल है एंड बाइक ओनर ने कम्प्लीट वैक्सीनेशन करा रखी है। एंड गाइस, अभी रिसेंटली जब ये फीमेल हीट पर आई थी ना, तो उस टाइम ओनर ने प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखा था, जिसकी वजह से ये सेल नहीं हो पाई। लेकिन अब ओनर ने भाई सीधे 6,000 रुपए कम कर दिए, तो आई एम श्योर अब आप लोग इसे आसानी से अफोर्ड भी कर पाओगे और नेक्स्ट हीट पर आप लोग इसे क्रॉस कराकर अच्छे खासे पैसे भी कमा पाओगे। तो अगर इस फीमेल की एज के बारे में बात करें तो फीमेल 1 ईयर की हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेंडली है, कोई भी परचेज कर सकता है। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है फिरोजपुर जिरका से, आप लोग डायरेक्ट जाकर ही इसे परचेज कर पाओगे, क्योंकि ओनर जो है ना वो डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। वैसे फीमेल का जो कलर है ना वो भी काफी डार्क है। एंड ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड किया ना भाई, वो किया 12,000 रुपीज यानी 12,000 रुपए। तो गाइस, अब मैं 4 ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में बात करूंगा जो कि आप लोगों को हमारे पास से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाला हूं वो है यूरोपियन डोबरमैन। भाई अगर आप लोग कहीं से ट्राई भी करोगे ना, तो यूरोपियन डोबरमैन का जो प्राइस है वो 35,000-50,000 रुपीज तक जाता है। लेकिन आज ये सिंगल पपी अवेलेबल है जो कि आप लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है। तो गाइस, यूरोपियन जो डोबरमैन होते हैं वो अमेरिकन से थोड़े से बड़े और थोड़े से हैवी होते हैं, इस वजह से लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन भाई इनका प्राइस काफी एक्सपेंसिव होता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पपी जो है ये 40 डेज के आसपास का हो चुका है, एंड इसका जो प्राइस है ना भाई वो है 30,000 रुपीज यानी 30,000 रुपए। नेक्स्ट जो डॉग ब्रीड आप लोगों को मिलने वाली है वो है पिटबुल। गाइस, ये जो पिटबुल आप लोग देख रहे ना, ये डबल एक्सएल साइज में, भाई डबल एक्सएल आप लोगों को जल्दी से नहीं मिलता। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई हमें डबल एक्सएल साइज में पिटबुल चाहिए, तो भाई मैं काफी लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाता। लेकिन आज मेरे पास आया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई जाए जो लोग डबल एक्सएल को पसंद करते हैं। तो बाकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी एक्सीलेंट है, फीमेल की चेस्ट देखिए कितनी ब्रॉड है और बिल्कुल हैवी फीमेल है। तो क्वालिटी में आप लोगों को जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड पर्सनली बताऊं ना तो मुझे कलर भी इसका काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। एज इसकी 3 मंथ्स हो चुके, कंप्लीट वैक्सीनेटेड है, एंड इसका जो प्राइस है ना भाई वो है जस्ट 12,000 रुपीज यानी सिर्फ 12,000 रुपए। एंड गाइस, नेक्स्ट जो डॉग ब्रीड है ना वो है सामोइड। भाई ये डॉग ब्रीड बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये भी आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन गाइस, काफी लोगों को सामोइड के बारे में नहीं पता, लेकिन डोंट वरी, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं। तो सामोइड ऑलमोस्ट व्हाइट कलर में ही आप लोगों को मिलते हैं, एंड इनका जो फर होता है ना वो काफी बड़ा होता है, लेकिन इनका टेम्परामेंट बहुत ही लवेबल होता है। तो भाई सामोइड दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, अगर आप लोग इन्हें परचेज करोगे ना तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप लोगों को मजा आ जाएगा और लोग पूछते रह जाएंगे कि ये ब्रीड कौन सी है। तो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इन सामोइड को परचेज करने के लिए, तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो पपीज आप लोग देख रहे हैं ये दोनों के दोनों फीमेल्स हैं, एंड ये पपीज भाई 45 डेज के हो चुके हैं, एंड इनका जो प्राइस है ना भाई वो है 18,000 रुपीज यानी 18,000 रुपए। एंड गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसका नाम है डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, ये जो डोगो अर्जेंटिनो पपीज आप लोग देख रहे हैं ये दोनों के दोनों फीमेल्स हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी। अगर आप लोगों को डोगो अर्जेंटिनो परचेज करने हैं तो आप लोग इन्हें कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कहीं और से परचेज करोगे तो प्राइस आप लोगों को बहुत एक्सपेंसिव मिलने वाला है। तो ये कुछ डॉग ब्रीड आप लोगों को हमारे पास से मिल जाएंगी। हमारी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। डायरेक्ट अगर परचेज करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, डिलीवरी चाहते हो तो इजीली आप लोगों को डिलीवरी घर तक मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल सेफली, और आप लोगों को फुल पेमेंट भी नहीं करनी। तो अगर इन डोगो अर्जेंटिनो पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये फीमेल 2.5 महीने की हो चुकी है, वैक्सीनेशन इनकी लग चुकी है, तो कार्ड साथ में आप लोगों को मिल जाएगा, एंड इनका जो प्राइस है ना भाई वो है 13,000 रुपीज यानी 13,000 रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं फुल ऑफ द ब्यूटीफुल क्यूटेस्ट एंड एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड के बारे में जो है सिरचू। गाइस, ओनर के पास ये सिंगल पपी ही अवेलेबल है। क्वालिटी देखिए बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, ट्राई कलर में एंड बिल्कुल पंच फेस में, क्योंकि ये ओनर हमेशा टॉप क्वालिटी में ही डील करते हैं। अगर आप लोग इनके पास से कोई भी ब्रीड परचेज करते हो ना, तो क्वालिटी के आप लोगों को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इन्हीं के पास एक दो ब्रीड और भी अवेलेबल है जो है चॉकलेट कलर का लैब्राडोर। एंड गाइस, काफी लोग डिमांड करते हैं कि पपी हमें फर्स्ट वैक्सीनेशन के साथ चाहिए, तो अगर आप लोग वो चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, ओनर फर्स्ट वैक्सीनेशन आप लोगों को लगा कर देंगे एंड साथ में कार्ड भी। लेकिन गाइस, ये जो
सिर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेल बपी है, फीमेल आप लोग को इनमें नहीं मिल पाएगी। और अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये 42 डेज का हो चुका है, लेकिन उन्होंने प्राइस जो है वो रिवील नहीं किया, तो वो आप लोगों को कॉन्टेक्ट करके ही पता करना पड़ेगा। एंड गाइस, ये है चॉकलेट कलर का लेब्राडोर। वैसे ये लेब्राडोर एक फीमेल है, क्वालिटी देखिए भाई, एक्सीलेंट क्वालिटी में है और ये भी इम्पोर्ट लाइन से। ये भी मतलब मैंने इसलिए बोला कि जो पीछे आप लोगों ने सिरजू देखा ना, वो भी इम्पोर्ट लाइन से ही है, जिसके बारे में ओनर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और हाँ, अगर आप लोग इन्हें लाइव वीडियो कॉल पर देखना चाहते हो तो कभी भी ओनर को वीडियो कॉल कर सकते हो। वैसे एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि ओनर इनके अलावा और भी काफी सारी डॉग स्पीड में काम करते हैं। तो ओनर की जो लोकेशन है ना, वो है सोनीपत हरियाणा से। डायरेक्ट जाकर परचेज करो, वीडियो कॉल पर देखो या फिर डिलीवरी लेना चाहते हो तो सब कुछ अवेलेबल है। एंड ओनर ने इसका प्राइस भी रिवील नहीं किया, लेकिन ये एक फीमेल है तो आप लोगों को सभी चीजें ओनर से कॉन्टेक्ट करने के बाद पता लग जाएंगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक और काफी स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है जर्मन शेफर्ड। भाई इस ब्रीड के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जर्मन शेफर्ड एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड होने के साथ साथ काफी अच्छे फैमिली डॉग्स भी होते हैं, जो फैमिलीज को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं एंड काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। वैसे गाइस, ये जो जर्मन शेफर्ड है ना, ये एक एडल्ट मेल है जो कि 14 मंथ्स का हो चुका है एंड बिल्कुल फ्रेंडली है। ओनर इस चीज की पूरी गारंटी भी लेते हैं एंड ये काफी अच्छे से मैटिंग भी करता है। तो अगर आप लोगों को स्ट्रेट सर्विस के लिए लेना है तो आप लोग इसे ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों की फीमेल हीट पर है ना, तो भी भाई आप लोग इसे परचेज करके बाद में इसे सेल कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने प्राइस सच में काफी रीजनेबल रखा है। तो एज तो मैं आप लोगों को इस जर्मन शेफर्ड की ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अगर बात करें लोकेशन के बारे में, तो ओनर की जो लोकेशन है वो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। डायरेक्ट जाकर ही आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी आप लोगों को इसके ऊपर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भाई एडल्ट डॉग्स पर डिलीवरी करना काफी मुश्किल काम होता है। एनीवेज, फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो भाई ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की ना, वो किया जस्ट 9000 रुपीस, यानी सिर्फ 9000 रुपए। एंड साथ में ये भी मेंशन किया कि प्राइस काफी हद तक नेगोशिएबल भी है। अब वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग कितने सीरियस बायर्स है और किस हद तक आप लोग प्राइस कम करा सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं एक और काफी स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि जर्मन शेफर्ड तो स्मार्ट डॉग होते हैं, लेकिन भाई ये भी उतने ही स्मार्टेस्ट होते हैं जितने की जर्मन शेफर्ड। ये है डोबरमैन। जी हां गाइस, ये जो डोबरमैन है ना, ये भी एक एडल्ट डॉग है। तो अगर आप लोगों को एडल्ट डॉग्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग इसे भी कंसिडर कर सकते हो। वैसे हाँ, ये एक फीमेल है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, उन्होंने सभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट भी करा रखी है। और गाइस, अगर आप लोग इसे परचेज करते हो ना, तो आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी ये फीमेल बच्चे भी देने वाली है, क्योंकि उन्होंने इसे काफी टाइम हो गया क्रॉस कराए। तो कुछ ही दिनों में ये फीमेल बच्चे को जन्म दे देगी, तो आप लोग उसे सेल करके अच्छे खासे पैसे भी कमा पाओगे। एंड साथ में उन्होंने इसका प्राइस भी पहले से काफी कम कर दिया है। वैसे देखने से तो फीमेल लगी रही है भाई, कंफर्म है, क्योंकि ओनर का ये कहना है कि फीमेल को अभी बच्चे देने में सिर्फ 10-12 दिन ही बाकी है। वैसे फीमेल जो है ना, ये फुल्ली रिजल्ट प्रूफ है, बिकॉज ये पहले भी बच्चे दे चुके हैं। अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो 2 इयर्स की है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है आगरा उत्तर प्रदेश से। डायरेक्ट जाकर इसे परचेज करो, सबसे बेस्ट रहेगा, डिलीवरी ओनर आसपास में ही दे सकते हैं। एंड प्राइसिंग की बात करें ना, तो भाई ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की भाई, वो किए जस्ट 12,000 पीस, यानी सिर्फ 12,000 रुपए। भाई प्रेग्नेंट फीमेल और वो भी 10-12 दिन में बच्चे देने वाली, आप लोगों को इतने सस्ते में मिल रहे हैं, तो जिसे फीमेल मिलेगी भाई उसकी तो लॉटरी लगने वाली है। तो अब बात करते हैं हमारे फ्री अडॉप्शन के बारे में। जी गाइस, मैं बात करने जा रहा हूं गोल्डन रिटीवर के बारे में। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि गोल्डन रिटीवर एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसका प्राइस पहले से डबल हो चुका है। प्राइस तो भाई चाहे 10 गुना हो जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में लेके आया हूं अडॉप्शन के लिए। लेकिन हां, जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई फ्री अडॉप्शन वीडियो लेकर आता हूँ ना, चाहे उस वीडियो में 10 डॉग फ्री में हो, 5 हो या फिर 1 हो, भाई अगर आप लोगों से कोई पैसों की डिमांड कर रहा है तो भाई वो बिल्कुल भी मत देना। आप लोग लालच में आके कभी किसी को पैसे दे दो टोकन मनी के नाम पे या फिर डिलीवरी के नाम पे और आप लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, तो भाई देखो, इसमें मेरी या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये आप लोगों का खुद का रिस्क होगा। वैसे दोस्तों, ये गोल्डन रिटीवर 9 मंथ्स का हो चुका है, तो अभी तो इसकी ग्रोथ होना काफी ज्यादा बाकी है। अगर आप लोग इसे अच्छी डाइट पर रखोगे, अच्छे से इसे वॉक एंड एक्सरसाइज कराओगे, तो ये गोल्डन रिटीवर बहुत हैवी हो सकता है, क्योंकि भाई डिपेंड करता है कि डाइट कैसी चल रही है और डॉग कितना खुश है आप लोगों के पास। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है इस डॉग को देने के लिए, तो प्लीज आप लोग इसे अडॉप्ट ना करें, क्योंकि ओनर की स्पेशली यही रिक्वायरमेंट है कि जो भी फैमिली इसे अडॉप्ट करे ना, वो एक डॉग लवर होनी चाहिए, इसकी अच्छे से केयर करे, इसे अच्छे से टाइम दे। वेल गाइस, अगर ओनर के मोबाइल के शुरू के 5 अक्षर की बात करें ना, तो वो है 9 8 9 3 1। बाकी के 5 डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो अगर बात करें इसकी एज के बारे में, तो वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ये 9 मंथ्स का हो चुका है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है आगरा उत्तर प्रदेश से। डिलीवरी भाई आप लोगों को कभी भी फ्री अडॉप्शन डॉग पर नहीं मिलती, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी भाई इतने सारे लोग फिर भी ओनर से कॉन्टेक्ट करेंगे कि हमें डिलीवरी प्रोवाइड करा दो। भाई ऐसा अगर आप लोग कर रहे हो ना, तो भाई आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ओनर डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आप लोग अपना और ओनर का सिर्फ टाइम वेस्ट ही करोगे। बाकी दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।